ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस घर में नशा आ जाए उस घर का नाश हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में ड्रग्स की पकड़ाई हुई है और अभी से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है ड्रग्स बरामद हुए हैं। ड्रग्स कौन कौन से हैं? गांजा, अफीम, चरस, कोकेन, हीरोइन इंजेक्शंस, मैक, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, टेट्रा पाउडर। गुरुग्राम ले लीजिए, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम नगर, यहाँ पर दिल्ली में दो जगह से आते हैं, इथियोपिया, अफ्रीका एंड दुबई से भी आते हैं। अभी आपने पढ़ा कि 5,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। पंजाब तो वैसे ही खराब हो गया ड्रग्स के कारण, तो इसकी रोकथाम दिल्ली में बहुत जरूरी है। बार, होटल में रोक लगनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं में इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, पोस्टर्स लगने चाहिए, इंटरनेट मीडिया से भी लोगों को अवगत कराना चाहिए कि एक बार नशा तो नाश हो गई। ड्रग्स चेन को खत्म करने के लिए जागरूकता से ही लगेगी प्रभावी रोक, खासकर बच्चों को रोकना है। हॉस्टल्स में इसका बड़ा प्रचलन है, जो बर्थडे की इवनिंग पार्टीज, नाइट पार्टीज, इसमें बड़ा इसका प्रचलन है और दोस्तों से सीखता है। दोस्त को कहते हैं कि एक बार में कुछ नहीं होता, बस एक बार के चक्कर में उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो आइए मजबूत इरादों से रोकें इस ड्रग्स का बढ़ता हुआ धंधा। हम डॉक्टर्स तो खाली इसके नुकसान के बारे में बता सकते हैं।